haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless cause I let you down. I hope there's some way I can make it all. क्या हो रहा है? है? क्या कर रहे हो सुबह सुबह? अरे तुम सो रही थी, तुमने इतना लेट काम किया तो मैंने कहा कि मैं पोछा ही लगा देता हूँ, झाड़ू तो कशिश ने लगा दी थी। ओके थैंक यू। तुम्हारे बनने तक और मैंने चाय भी बना दिया तुम्हारे लिए। हाँ थर्मस में मेरे लिए चाय है। हाँ बोल रहे थे रीमा चाय ले लेना। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ऐसे ही बज रहे हैं अभी 10 o'clock और मैं आज बहुत लेट सोकर उठी हूँ। कल रात में मैं 3 o'clock तक एडिटिंग कर रही थी एक्चुअली, 3:30 तक इनफैक्ट, और मतलब लेट एडिटिंग स्टार्ट करी तो लेट ही ख़त्म हुई एडिटिंग भी। सुबह सुबह मुझे गर्मा गर्म चाय मिल गई है, प्रशांत ने थर्मस में बना कर रखी हुई थी चाय। इसमें चाय बहुत देर तक गर्म रहती है और इसमें बहुत सारी चाय लग रही है प्रशांत मुझे। आपने पी ली? मैंने पी ली लेकिन मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी। अच्छा थोड़ी देर बाद। ओके चाय बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी सोकर उठकर आपको बनी हुई चाय मिल जाए तो मतलब आपका दिन जो है बहुत ही अच्छे से शुरुआत होती है। I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show. अरे ये फेस मास्क किसने लगाया आज? अरे तुम जब सो रही थी तो कशिश ने कहा डैडी हम दोनों जो है ना फेस मास्क लगाते हैं। तो तुम दोनों ने आज फेस मास्क लगाया है? ओहो बड़े मियां गोरे लग रहे। देखा मुझे ही स्किन केयर नहीं करनी होती, इनको भी करनी होती है। ये जो फेस मास्क है ये यहाँ रखा हुआ था। यूजुअली फेस मास्क जो है वो मेरा इस ड्रॉअर में रहता है, इस ड्रॉअर में ये यहाँ पर रहता है, और जब ये बाहर की तरफ रखा हुआ था तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ आज हुआ है। गुड मॉर्निंग। तो जहाँ पर सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं वहाँ पर देर से उठने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो आज मेरा काम बहुत लेट चल रहा है, आज मैं बहुत लेट सोकर उठी हूँ जैसा कि मैंने सुबह उठते ही बता दिया था। तो घर में बहुत सारा सामान आया है, बहुत सारा तो नहीं थोड़ा बहुत सामान आया है एक्चुअली, उससे ऑर्डर किया था ग्रोफर से। तो ग्रोफर से ये सामान आया है, बिस्किट्स आए हैं, ये हम लोग चाय के साथ बिस्किट्स लेते हैं, ये मैंने क्लीन कर दिए हैं ऑलरेडी, क्लीन करके रखे हुए हैं, बस इनको अब स्टोर करना है। एक्चुअली मैंने इनको 6 से 7 घंटे के लिए बाहर छोड़ा है, तब मैंने स्टोर करूँगी, क्लीन करके बस यहाँ पर रखे हैं फ़िलहाल तो। और ये मिल्क मेड मंगाया है, इससे कुछ स्वीट डिश बनाने की सोच रही हूँ मैं। मैंगो, यम्मी मैंगो भी आ चुके हैं, वाओ। और मेलन आया है, और इसके साथ ये हाइड एंड सीक वाले चौको रोल्स आए हैं, ये कशिश के फेवरेट है एक्चुअली, उसी ने ऑर्डर करवाए होंगे। और ये क्या आया है, नेस्ले लाते। यार ये नेस्ले लाते क्या मंगाया है आपने प्रशांत? ये नेस्ले लाते बहुत अच्छा लग रहा है, ये नेस्कैफे का लाते ये आपने मंगाया? ये इससे क्या बनेगा? रेडीमेड है लाते कॉफी बस इसमें। अच्छा हाँ। ये रेडी बस इसे किसमें? मिक्स वन क्रीमी कप कॉफी एंड मिल्क मिक्स, मिल्क भी है इसके अंदर कुछ नहीं, जस्ट ऐड हॉट वाटर। अच्छा ओनली पानी में ऐड करो और बन जाए। पानी ऐड और इसको ही खोल इसी कप में पी लो। और ये भी कशिश के फेवरेट है, फेवरेट है ये भी कशिश। और ये वाले वो नामचीन नहीं है वही मीठे और नमकीन का ट्विस्ट वाले बिस्किट वो। और इसके अलावा ये कुछ जूस मंगाए हैं, रियल का जूस, ऑरेंज जूस। तो ये है रियल के जूस, ये है ऑरेंज जूस, और ये कशिश को पसंद है जूस वूस पीना, और प्रशांत के भी फेवरेट है, वो काम करते वक्त थोड़ा बहुत जूस वगैरह ले लेते हैं। और ये क्या मंगाया आपने प्रशांत? गुआवा का जूस, गुआवा का जूस मेरा फेवरेट है। शेजवान चटनी हमारी आ गई, दो मंगाई है तुमने? दो बोली थी ना? मैंने एक ही बोली थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, स्टोर हो जाएगी। शेजवान चटनी वैसे भी इतनी ज्यादा फेवरेट है कि हम लोग
यूज करते ही करते हैं इसको बहुत सारी चीजों में। उड़द की दाल जो कि बिल्कुल खत्म हो गई थी जब मैंने वो गुजिया बनाई थी ना, तो उसमें खत्म हो गई थी। और ये है मूंगफली और ब्रिटानिया का ये थोड़ा बहुत नमकीन, हल्दी, हल्दी भी खत्म हो गई थी। तो ये आज ग्रोफर से सामान आया सारा का सारा। अब इन्हें स्टोर कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये इसे हो गए होंगे 5-6 घंटे, तो 6 घंटे हो गए, बहुत सुबह ही आ गया था एक्चुअली। तो अब इनको स्टोर कर ले वरना इससे पहले खराब हो जाए। मैंगोज तो खास तौर से, मैंगो, तरबूज भी, खरबूज, खरबूज, मैं भी इसको पहले वाटरमेलन बोल रही थी, फिर मैंने इतने दिन से वाटरमेलन नहीं खाया है। इसको आज काट ले? हाँ काट ले, काट लो, ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा ना तो अच्छा भी लगता है खाने में। जाओ काट लो। और इधर कपड़े मैंने रखे हुए हैं क्योंकि कपड़े वॉश होने, ऑलरेडी एक लॉट चल रहा है, एक लॉट इधर पड़ा हुआ है, तो घर के काम चल रहे हैं, बहुत लेट चल रहा है सारा काम, अभी तो खाना भी नहीं बना है। देखने में तो खरबूजा मीठा लग रहा है। हाँ, ये अब अलग वाले खरबूजे, ये नेटेड वाला वो है। अच्छा, मैंने इस टाइप का खरबूजे को कभी ऐसे खराब निकलते हुए नहीं देखा। पता है ये होते हैं वो बीज जो मैं यूज करती नहीं हूँ, मेलन सीड्स जो मैं यूज करती हूँ, इनको ना धोकर मेरी मम्मी तो छलनी में रखती थी इनको, और छलनी में धोकर इनको सुखा देती थी धूप में। तो ये है हमारी सॉसेज वाली ड्रॉअर जहाँ पर हमने बहुत तरह तरह की सॉसेज रख रखी हैं। बल्कि मुझे और थोड़ी सॉसेज लानी है, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो बिग बाजार से लाऊंगी। बिग बाजार में हर तरह की सॉस मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले ये इटालियन हर्ब्स वाली मेयो है, और ये है सोया विनेगर, और ये तो खैर हर घर में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा है पेरी पेरी, और इसके अलावा मेयो है, फिर चिली सॉस है, फिर शेजवान चटनी है, दो है हमारे पास शेजवान क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट एक ये खाली हो रही है, और अभी आज दो ऑर्डर भी कर दिए हैं इस वजह से। और ये है स्वीट अनियन सॉस, और इसके अलावा यहाँ पर है अमेरिकन मस्टर्ड सॉस, ये भी बहुत अच्छी लगती है कुछ कुछ चीज़ों में, बर्गर्स में हाँ अच्छी लगती है। और ये है बारबेक्यू सॉस। तो मैंने सोचा आज आपको जब मैं लगा ही रही हूँ सॉसेस तो दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी सॉसेस कलेक्ट कर रखी हैं। यहाँ पर है टोमेटो केचप, और यहाँ पर है ये आपका ये वो है, सॉस नहीं है ये तो, फ्रूट जैम है। और इसके अलावा ये एक और सॉस, ये है आपकी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो ये है हमारे सॉसेस का कलेक्शन, और अभी भी मुझे 2-3 सॉसेस हैं जो प्रशांत लगता है कि कमी है, जैसे कि चिपोटले, मुझे चिपोटले वाली सॉस भी चाहिए। ये क्या है? छोटे कर दिए, बड़े थोड़ी छोटे कर दिए, छोटे कितने बड़े थे ये? उनका साइज तो बड़ा था। हाँ, बहुत छोटे कर दिए। तो आज मैं लंच में क्या तैयार कर रही हूँ? घुइया की सब्जी, यानी कि अरबी बनाने वाली हूँ आज लंच में। तो सबसे पहले इसको मैं बॉईल करूंगी, आज मैं बॉईल करके बनाऊंगी। मैं बिना बॉईल करे वाली भी बनाती हूँ, रसे वाली, लेकिन आज मैं रसे वाली नहीं बनाऊंगी, सूखी वाली अरबी बनाऊंगी। और किस तरीके से बनाने वाली हूँ वो मैं अभी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ। ज्यादा बॉईल नहीं करना है, बस थोड़ा सा बॉईल करना है, 2 विसल ही मुझे लगता है ज्यादा ही रहेगी क्योंकि अरबी जल्दी बॉईल होती है। तो जब तक आ रही है अरबी में विसल, तब तक मैं ये प्याज काट रही हूँ। तो इसमें ये दूसरी विसल थी, तो मुझे अब इसे बंद कर देना चाहिए, इतनी काफी है अरबी के लिए। तो ये सूखी सब्जी है तो इसके साथ एक दाल तो बनानी पड़ेगी, तो सोच रही हूँ दाल भी बनने के लिए रख देती हूँ साइड बाय साइड। तो अरबी के साथ खाने के लिए मैंने चढ़ा दिया इधर मसूर की दाल। I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one. तो यहाँ पर सारी अरबी छील ली है मैंने, और अब मैं इन्हें डाल रही हूँ बाउल में। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा, थोड़ा क्रिस्प लाने के लिए इसमें, और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। और अब इसे अच्छे से लपेट लेना है इससे। Chance, I swear, I'll try my best to always be there in the world. तो गैस पे मैंने रखी है कढ़ाई, और उसमें डाल रही हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मैं अरबी की सब्जी मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, उसमें काफी टेस्टी लगती है,
सरसों के तेल में। थोड़ा तेल हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि हमें अभी अरबी फ्राई करनी होगी इस तेल में। अरबी हो चुकी है हमारी अच्छे से फ्राई, लग रही है ना एकदम गोल्डन ब्राउन कलर में। तो अब इसको क्या करना है, इनको हाथ में लेके इनको हल्का सा बस इस तरीके से करना है। तो मैं हथेली के बीच में लेकर इनको हल्का सा प्रेस कर रही हूँ जिससे ये दब रहे हैं। ये हो गई हमारी कितनी प्यारी सी करारी करारी सी अरबी, लग रही है ना एकदम क्रिस्पी अरबी। तो ये वही कढ़ाई ले ली जिसमें मैंने अरबी तली थी। अब मैं इसके अंदर मसाले तैयार करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो आपको, अरबी का जो टेस्ट है ना, हर सब्जी का अपना एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है और वो किस इंग्रेडिएंट्स के साथ ज्यादा अच्छा लगता है ये डिपेंड करता है उस सब्जी पर। जैसे कि अरबी किसके साथ अच्छी लगती है, अजवाइन के साथ। तो हम इसमें अजवाइन डालेंगे, जीरा नहीं डालेंगे हम यहाँ पर। हर सब्जी में जीरा डालना जरूरी नहीं होता। जीरा जैसे आलू के साथ अच्छा लगता है, काशीफल मेथी के साथ अच्छा लगता है, ऐसे ही अरबी जो है अजवाइन के साथ अच्छी लगती है। और इसमें मैं ले रही हूँ थोड़ी सी राई। तो जब ब्लैक कलर की कोटिंग होगी उस पर राई की तो वो बहुत अच्छी लगेगी देखने के लिए, इसीलिए मैं इस पर राई डाल रही हूँ। अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें ग्रीन चिली। मैंने एक ही ग्रीन चिली ली है, ज्यादा नहीं ले रही हूँ मैं, ज्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी आज मैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर तीन के करीब मैंने प्याज चॉप कर ली थी, बिल्कुल बारीक चॉप करी है यहाँ पर। तो प्याज इसमें थोड़ी ज्यादा रखिएगा, प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। प्याज को बस 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन कलर में टर्न आउट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी आपकी प्याज। बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है प्याज को। और यहाँ पर अभी हमारी रेडी है ही ऑलरेडी, बहुत ही अच्छी लग रही है, कितनी क्रिस्पी है अभी। और इसमें जाकर और मजा आ जाएगा क्योंकि इसमें चटपटे और मैं मसाले डालने वाली हूँ। अरबी ना चटपटी अच्छी लगती है, जब मैं मसाले के साथ इन अरबी को ऐड करूंगी तो इसमें मैं चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा नींबू डालूंगी, तो ये चटपटी वाली अरबी बनेगी, तो खाने में टेस्टी लगनी ही लगनी है। और क्रिस्प तो है ही इनमें क्योंकि हमने इसमें चावल के आटे से डालकर इनको फ्राई किया है। तो चावल के आटे की एक क्वालिटी होती है, जब आप पकौड़ियों में डालते हो, जब बेसन की घर में पकौड़ी बनाते हो उसमें 2 चम्मच बस चावल का आटा लगा लो, बेसन के आटे से इतनी क्रिस्पी नहीं बनती है जितनी पकौड़ी चावल का आटा ऐड करते ही तुरंत क्रिस्प आ जाता है। तो जो बाजार में आपको पकौड़ियां खाते हो ना, कितनी क्रिस्पी क्यों लगती है, बेसन के साथ साथ उसमें चावल का आटा भी मिलाया जाता है, तो इसीलिए उसमें एक अच्छा सा क्रिस्प आता है। तो चलिए ये जो हमारे पास अरबी है ये भी इसी के साथ डाल दी जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसालों में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 2 से 3 स्पून। 1 टीस्पून ही इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, उससे चटपटापन आएगा अरबी में। नमक थोड़ा ही ऐड करूंगी मैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने भूनते समय इसमें नमक ऐड किया था। मसालों के साथ इनको अच्छे से भून लेना है और थोड़ी देर के लिए। अरबी की एक बात होती है कि ना, अरबी ज्यादा उबाल लो तो लिसलिसी हो जाती है और लिसलिसी अरबी खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। बहुत सारे लोग तो इसी वजह से नहीं खाते अरबी क्योंकि वो हाथ में लिसलिसी सी लगती है, चिपकी चिपकी सी लगती है, स्टिकी सी होती है, तो मन नहीं करता खाने का। तो अगर आप इस स्टाइल से बनाओगे तो अरबी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगेगी और आपका भी मन करेगा देखकर खाने का। तो अभी मैं थोड़ी देर इसको ढककर थोड़ी देर बस स्टीम लगाऊंगी हल्की सी, थोड़ी बहुत अगर गलना बाकी रह गया है तो वो भी इसमें गल जाएगी।
बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही है इसमें। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कसूरी मेथी ऊपर से, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिंडर लीव, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन, चाट मसाला और नींबू एक साथ डालने से इसमें जो फ्लेवर आएगा ना एकदम ऐसा आएगा चटपटा वाला। तो हमारी चटपटी वाली अरबी बनकर तैयार हो गई है और मेरी दाल भी बन गई है, उसमें तड़का भी लगा लिया है। अब मैं इसके साथ रोटियां बना रही हूँ फटाफट। जब मैं लेट हो जाती हूँ तो क्या होता है, कशिश की ट्यूशन क्लास स्टार्ट हो जाती है और फिर मुझे उसका खाना जो है उसको के रूम में ही देना पड़ता है, और आज मुझे उसके रूम में ही देना पड़ेगा क्योंकि उसकी ट्यूशन क्लास स्टार्ट हो गई है और मैं लेट हूँ आज खाना बनाने में। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, कुछ लोग लिख रहे थे कि आप गैस पे डायरेक्ट रोटियां मत बनाया करिए, अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। लेकिन पता नहीं बचपन से इसी तरीके से रोटी खाई है तो बनाने की भी आदत इसी तरीके से है। मैंने कभी तवे पर ऐसे रोटी बनाई नहीं है तो मेरी तो कोई रोटी नहीं फूलने वाली तवे पर। कुछ टाइम मैंने यूएस में बनाई थी क्योंकि यूएस में ना कॉइल वाली गैस थी मेरे पास एक जगह पर, दो जगह पर तो मुझे यही वाली गैस मिली थी लेकिन एक जगह पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली कॉइल वाली गैस थी, तो उसमें फायर ऐसे नहीं निकलती थी, बस वो जैसे हीटर गर्म होता है ऐसे ही गर्म होती थी। तब मैंने उस पर रोटियां बनाई थी बहुत टाइम के लिए और वो रोटियां मेरी इतनी अच्छी नहीं बन पाती थी, और पता है क्या होता था, जैसी मैं उन रोटियों को रखती थी वो इतनी हार्ड हो जाती थी मजा ही नहीं आता था खाने में। तो ये बात मैं कर रही हूँ आप लोगों से कनेक्टिकट की, जब मैं कनेक्टिकट में रहती थी वहां पर थी ये वाली कॉइल वाली, और जब मैं फिर न्यू जर्सी शिफ्ट हुई तब मुझे ये वाली गैस मिली, तो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि यार चलो अब मेरा खाना ढंग से बन पाएगा, मेरी एटलीस्ट रोटियां अच्छी बन पाएंगी। कशिश को खाना देकर आती हूँ। लास्ट रोटी भी बन गई और इसी के साथ मेरा सुबह का काम खत्म हुआ। बड़ी शांति से मिलती है ना जब आपका एक टाइम का काम खत्म हो जाए और खासतौर से सुबह का। आखिरी प्याज थी जो तुमने यूज करी है, पता है मुझे दाल में मसूर की दाल में भी नींबू डालकर खाना पसंद है। कितने लोगों को पसंद है मसूर की दाल के अंदर नींबू डाल के खाना, ऊपर ना फैन चल रहा है प्लीज इग्नोर दैट। गर्मियों में ना पहले किचन में जाके खाना बनाओ बिना फैन के और फिर उसके बाद गर्मी में बैठ के बिना फैन के खाना नहीं खा सकते यार, मुश्किल हो जाता है। पीछे से ये घुर 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 की जो आवाज आ रही है फैन है, वो फैन है हमारा प्यारा गर्मियों का दुलारा फैन। अच्छा अरबी को ना वैसे नींबू के संग ही खाना चाहिए, बड़ा टैंगी सा और अच्छा सा टेस्ट आता है। वो लिक्विड वाली भी मैं नींबू डाल के बनाती हूं। वाओ बहुत अच्छा टेस्ट है अरबी का। Every inch of me is hurting and I just wanna leave it all behind. Yeah, I'm breaking up with you. Okay, तो लंच हो चुका है हमारा। लंच करने के बाद भी छोटे मोटे काम तो रह ही जाते हैं। अभी वो वाले कपड़े जो कि मैंने लॉन्ड्री में लगा रखे थे उनको सोच रही हूँ सुखा देती हूँ, धूप चली जाएगी वरना फिर वो सूख नहीं पाएंगे। एक्चुअली मैंने कुछ फुटमैट्स धोए हैं, घर के अंदर वाले फुटमैट्स हैं, घर के बाहर वाले नहीं हैं, वो मैं मशीन में नहीं लगाती, वो तो हाथ से ही धोने पड़ते हैं। तो ये वो वाले मैट्स हैं जिन पर मैं बैठ भी जाती हूँ, पूजा मंदिर में यूज़ होता है या किचन में यूज़ होता है, वो वाले मैट्स हैं।
प्रशांत, शाम की चाय देखो, मैं आज तुम्हारी फेवरेट चाय बना के लाई हूँ, थ्री पीस चाय, तुमको पसंद है ना? चलो तो फिर। और तुम्हें यहाँ बालकनी में खड़ा होना कितना अच्छा लग रहा है, कल कितने नाटक कर रहे थे बालकनी साफ करने के लिए, झगड़ा कर लिया सुबह सुबह मेरे साथ, है ना? अब अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? तुम यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो? चलो चाय पीते हैं फटाफट। क्या हुआ? खराब हो रहा है, सोचा था कि कल आखिरी दिन होगा। वो न्यूज सुन ली तुमने लग रहा है? उसका लॉकडाउन 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया, पता है? सोचा था कैद से थोड़ी आजादी मिलेगी, यहाँ तक तो कुछ नहीं। कौन सी कैद? तुम्हें यहाँ पे किसने बांध के रखा हुआ है? खुश हो तो वाले बात नहीं है, लेकिन ये है कि घर के अंदर खुश इमेजन ये है ना कि आदमी को किसी भी चीज़ में ना संतुष्टि नहीं होती। जब ऑफिस जाते हैं तो लगता है यार घर पे जाएं छुट्टी मनाएं, जब घर पे हैं इतने दिन से तो ऐसा लग रहा है कि बाहर निकले, बाहर क्यों निकले, घर में क्यों बंद कर रखा है। हमारी हालत छटपटी छटपटाती हुई इस मछली की तरह हुई है, जिसको बाहर निकलने का, जिस जो पानी के बिना नहीं रह सकता, और ऐसे ही आप बाहर निकले बिना नहीं रह सकते, उसको पानी में रहना जरूरी है और तुम्हें बाहर निकलना जरूरी है। मैं तो तुम्हारे लिए थ्री पीस वाली चाय बना कर लाई हूँ। हाँ, मेरा मन कर रहा था बहुत दिन से। कैद में है बुलबुल। बुलबुल नहीं, यहाँ पे गुलगुला है। गुलगुला गुलगुला कैद में है गुलगुला। कैद में गुलगुला। आज भी आजादी नहीं मिल पाई तुमको। 17 मई तक अब तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, और 17 मई के बाद भी क्या पता कि आगे कितना और बढ़ जाए, कुछ नहीं मालूम। मैं प्रशांत को बोल रही थी कि तुम अकेले ही पति ऐसे नहीं हो जो निराश हो इस बात को लेकर। पता नहीं ना जाने कितने ऐसे पति होंगे जो ये सोच रहे होंगे आज तो छुटकारा मिल ही जाएगा अपनी बीवी से, तो कल से तो बैक टू नॉर्मल लाइफ होगी हमारी। लेकिन नहीं, इतनी आसानी से बीवी से पीछा छुड़ाना इतना आसान भी नहीं होता। ये आज़ादी इतनी भी आसान नहीं। अच्छा, हमारी टीमा के अंदर एक बात यह है, टीमा को फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं आती। जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। टीमा को एकदम वैसी चीज़ें पसंद हैं, देसी चाय बनी हुई तो उबली हुई और कड़ी हुई। रीमा की शौक नहीं है ये थ्री पीस में। रीमा मेरा साथ देने के लिए पीती है, मुझे गरम गरम खोलती हुई चाय। Up with you tonight.